माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कुछ पैरामीटर्स पर कुछ जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अपना रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मातृ शिशु वाला विषय है, इन पर जो भारत के पैरामीटर से औसत के नीचे हैं उनको जो है आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया। ऐसे इस समय हिंदुस्तान में 115 जिले हैं, आपके ज़िले ने अच्छा काम करते हुए 44वें नंबर पर लाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ऊपर पायदान पर अगले साल आएंगे। कुछ पैरामीटर्स में बहुत अच्छा काम हुआ, एक आध पैरामीटर में काफ़ी पीछे है, 104 वार्ड पे है, वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मामला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे कारण ये समझ में आई कि बहुत सी हमारी योजनाएं जो ज़िले की हैं वो पर्यावरण की क्लियरेंस और जंगल यहाँ पर बहुत है, रिजर्व फॉरेस्ट आदि के कानूनों में के वो उलझी हुई है। तो 11 करोड़ रुपये, और ये पूरा 11 करोड़ रुपये का बहुत अच्छा डिसीजन नीति आयोग के डायरेक्शन है कि चिकित्सा और शिक्षा पर ज़्यादा खर्च किया जाए। तो यहाँ पर पूरा 11 करोड़ रुपए शिक्षा पे किया है। उसमें एक डायरेक्शन है कि कोई नया स्कूल नहीं बनाएंगे, नई बिल्डिंग के लिए नहीं, उसके लिए राज्य सरकार का पैसा पर्याप्त होता है, उसका अपग्रेडेशन करेंगे, जैसे स्मार्ट क्लास बनाएंगे, लैपटॉप से होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, शौचालय वौचालय का वो होगा, और उसके साथ है कि फैकल्टीज़ को भी थोड़ा अच्छा करना है, और उसके अलावा स्पोर्ट्स के मामले में ये पैसा लगाना है। कालाहाड़ी का नाम उस जो है लोकसभा जो है पहले जिला, उसके कई किस्से होते थे पहले गरीबी के, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उनकी गरीब कल्याणकारी ही योजनाएं, चाहे 12 रुपए का बीमा हो, 330 का बीमा हो, अथवा उज्ज्वला में गैस दी हो, अथवा किसान सम्मान निधि के 6000 रुपए आ रहे हों, अथवा फसल बीमा योजना के द्वारा किसान को बड़ी कवरेज की गई है, और आमदनी दुगना करने के लिए पोल्ट्री की योजनाएँ हैं, पिगरी की योजनाएँ हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जैविक खेती और ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, और उसके साथ अपना ये औषधि खेती, इन चीज़ों पर किसान अगर ध्यान देगा तो अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ बनी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पर टिकी हुई है। अंत्योदय का मतलब केवल अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ऐसी नहीं आएगी, उसको आवास देकर, उसको मकान दे करके, उसको स्वास्थ्य का ध्यान रख के, उसको शिक्षा करके, उसका जीवन आश्रितों का सुरक्षित रहे, बीमा का दे करके, किसान सम्मान निधि दे करके, इस प्रकार से की शादी 75,000 रुपये उसमें दे रहे होंगे, पहली बच्ची पैदा होने पर 35,000 दे रहे हैं, दूसरी बच्ची पैदा होने पर 35,000 दे रहे हैं, एजुकेशन में शायद प्राइमरी में 50 रुपये पर 100 150 200, डिग्री कॉलेज में 3,000, मेडिकल में 12,000, पीएचडी में 15,000 रुपये महीने आ रहे हैं। ये सब चीज़ें उसके अंत्येष्टि तक के लिए फिर पैसे आते हैं, ये सब योजनाओं से गरीबी को दूर करने का काम करेंगे, केवल इंदिरा गांधी की तरह गरीबी हटाओ का नारा नहीं देंगे।